बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट वाटर एंड लाइफ। एज यू नो दैट वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल नेचुरल रिसोर्स। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सर्विस इज कवर्ड बाई वाटर। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ आफ्टर ऑक्सीजन। थर्ड मेन पॉइंट, water, without water human being cannot survive more than a week. Fourth main point, about 66% of weight of human body is due to water, and all life process depend on water. Water is also important in factories and as well as industries. Beside this, we also discuss about some of the sources of water, such as ocean, pond, lakes, river, stream, glacier, river, and here atmospheric water. Ocean contain more than 97% of total water, and after ocean, inland water includes river, lakes, canal, streams, and soil moisture. Beside this, atmosphere also contain a desirable quantity of water, as in a form of water vapors. Fresh water for human required is about nearly 1%. Water present in ocean is unfit for human due to higher concentration of dissolved salt in ocean water. Remaining is locked in a form of ice sheet and glacier. On land, fresh water lies underground. So these are some of the main points of previous lecture. Now in this lecture, we discuss about the impurities present in water. जैसे कि स्टूडेंट आपने ग्रेड 6 के अंदर पढ़ा होगा कि वाटर आपके पास एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है और बहुत सारे वैरायटी के सब्सटेंस इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। Water is an excellent solvent and can dissolve a variety of substance. So that's why when it flows through earth surface, it dissolves mineral, salt and other substance. इसी वजह से अगर आपके पास water earth surface पर flow करेगा तो उसके अंदर minerals हो गए, salts हो गए और कुछ other substance आपके पास क्या हो जाते हैं, dissolve हो जाते हैं। Third main point, water pollution occur when undesirable foreign substances are introduced into natural water. Water pollution तब होता है जब आप कोई undesirable foreign substance को natural water के अंदर introduce करवाते हैं, और वो substance जो आपके पानी को आलूदा करता है उस substance को बच्चों कहा जाते हैं pollutants. What? Third point में फिर repeat कर लेता हूँ, water pollution तब प्रोड्यूस होता है जब आप अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को नेचुरल वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो सब्सटेंस जो वाटर पोल्यूशन को काज करते हैं उस सब्सटेंस को कहा जाता है पोल्यूटेंट। जैसा कि हम कूड़ा किरकट वगैरह या नदियां नालों से हमारे जो समंदरों के अंदर या रिवर्स या ओशियंस के अंदर हमारे नदियाँ नाले चले जाते हैं और वो गंदा पानी आपके नेचुरल वाटर को क्या कर लेते हैं, आलूदा कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह वो सब्सटेंस जो पानी को आलूदा करते हैं उसको कहते हैं पोल्यूटेंट्स। व्हाट आर पोल्यूटेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। पोल्यूटेंट क्या होते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में भी आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट आर पोल्यूटेंट। So pollutants are those substances that cause water pollution. Pollutants जो होते हैं बच्चों आपके पास ना सिर्फ human के लिए बल्कि animals के लिए और फसलों के लिए भी नुकसानदेह होता है। Pollutants in water are dangerous for human, animals and also harm crops etc. आज के लेक्चर का सेकंड जो टॉपिक है वो है sources of water pollutants। वो कौन कौन सी सोर्सेज हैं बच्चों जिससे आपके पास वाटर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं। तो सोर्सेज बेसिकली बहुत सारे होते हैं,
हमारी डेली लाइफ में, लेकिन हम यहाँ पर तीन मेन सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सोर्स है आपके पास डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट बच्चों कहते हैं घरेलू वेस्ट को, ठीक है। अब घरेलू वेस्ट में बच्चों सब घरेलू वेस्ट में सबसे मेन चीज़ जो आपके वाटर को आलूदा करती है उसको कहते हैं सीवेज। व्हाट इज़ सीवेज? अब ये सीवेज क्या चीज़ है आपने बच्चों याद भी रखने हैं। सीवेज अक्सर एग्ज़ाम में भी इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं या ब्लैंक्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ सीवेज। तो सीवेज इज़ अ वेस्ट डिराइव फ्रॉम होम स्कूल एंड ऑफिस एट्सेट्रा। सीवेज आपके घरों से, आपके स्कूलों से या आपके ऑफिस वगैरह से आलूदा पानी जो होता है या गंदा पानी जो होता है उसको बच्चों कहते हैं सीवेज। इज दैट क्लियर? डोमेस्टिक वाटर पोल्यूटेंट इज मेनली काज बाय सीवेज एंड सीवेज इज अ वेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम होम स्कूल ऑफिस एट्सेट्रा। अब सीवेज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन सी चीज़ों पर सीवेज मुश्तमिल होता है? सीवेज में बच्चों आपके पास ह्यूमन एक्सक्रीटा, सोप, वेस्ट फूड एंड डिटर्जेंट एट्सेट्रा आ जाते हैं। ह्यूमन फाजल मवाद, सोप, साबुन, वेस्ट फूड वगैरह और सफाई की जो चीज़ें हैं आपके पास वो आपके पास आ जाती हैं। सीवेज इंक्लूड ह्यूमन एक्सक्रीटरा, सोप, वेस्ट फूड एंड डिटर्जेंट एट्सेट्रा। दीज आर सम आर डोमेस्टिक वेस्ट विच कॉन्टिमिनेट वाटर। सेकेंड, द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट आर एग्रीकल्चर वेस्ट। हाउ एग्रीकल्चर वेस्ट पोल्यूट आर वाटर? एज वी नो दैट स्टूडेंट कि आज के जो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, एनिमल मैन्योर यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। मैन्योर, एनिमल मैन्योर, एनिमल का जो एक्सक्रीटरा है वो आप एज़ अ खाद के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड जो जड़ी बूटियों को मारने के लिए अदवायात वगैरह यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पेस्टिसाइड, और फर्टिलाइज़र खाद वगैरह आज के मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं फसलों की बेटर प्रोडक्शन के लिए या वेजिटेबल की बेटर प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। इन मॉडर्न एग्रीकल्चर मैन्योर, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र आर यूज फॉर बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बच्चों, अगर हम ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव और इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे तो इससे आपका वाटर जो है वो पोल्यूशन काज हो जाती है। कैसे, किस तरह खादों से या पेस्टिसाइड से किस तरह आपकी वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है चलिए देख लेते हैं। वाटर पोल्यूशन, जैसा कि बच्चों लेट सपोज हम अपने खेतों में बहुत ज़्यादा खाद वगैरह डाल देते हैं, बारिश वगैरह जब होती है तो वो खाद वगैरह जो ज़्यादा एक्सेस खाद वगैरह होता है उस ज़मीन से नदियां या नालों वगैरह में बारिश के पानी के साथ आ जाते हैं और वो फिर किनाल, स्ट्रीम या रिवर तक पहुंच जाते हैं जिससे आपके पानी क्या हो जाते, पानी की पोल्यूशन हो जाती है। पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र एक्सेस एंड इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र काज वाटर पोल्यूशन, दे कैरी इनटू रिवर, स्ट्रीम एंड केनाल। पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र में बच्चों आपके पास पॉइजनस केमिकल कंपाउंड होते हैं। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र में पॉइजनस केमिकल कंपाउंड होते हैं। फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड कॉन्टेन पॉइजनस केमिकल कंपाउंड। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। हम थर्ड जो सोर्स है इंडस्ट्रियल वेस्ट उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट मेन पॉइंट दैट इज़ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर।
As we know that water is an excellent solvent and can dissolve variety of a substance. When it flows through the earth's surface, it dissolves minerals, salt and other substance. Water pollution occurs when undesirable foreign substances are introduced into natural water. Then the substance that cause water pollution are called pollutants. That is very important question for your exam. What are pollutants? Pollutant are the substance that cause water pollutions. Pollutant in water are dangerous for human, animals as well as harmful for crops. Second main point of today's lecture is major sources of water pollutions. There are following major sources of water pollution. First one is domestic waste, second one agriculture waste, third one industrial waste. What is domestic waste? Domestic water pollution is mainly caused by sewage. For your exam, it is very important question that what is sewage? Student, sewage is a waste derived from home, school and offices. It includes human manure, pesticide and fertilizer are used for better yield of crops and vegetables. Pesticide and fertilizer contain poisonous chemical compound. The excessive and improper use cause water pollution. How pesticide and fertilizer cause water pollution? It is also an important question for your exam. How agriculture waste, mean to say manure, pesticide and fertilizer, cause water pollution? As you know that the improper and excessive use of fertilizer, pesticide and fertilizer manure, animal manure, carry by rainwater into river, stream and canals, and thus water pollution occurs. Beside this, pesticides and fertilizers contain poisonous chemical compounds. These are the few main points of today's lecture. Now come to the homework. Your homework is, student, water is an excellent solvent. How this beneficial property is harmful for us? जैसे कि बच्चों वाटर के बारे में आपको बताया कि वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, किस तरह ये बेनिफिशियल प्रॉपर्टी जो है हमारे लिए हार्मफुल है। इसका आंसर लेक्चर के अंदर प्रेजेंट है, तो आप इसको अपने वर्डिंग में लिखकर सेंड कर सकते हैं। सेकंड, सजेस्ट सम वे टू रिड्यूस सीवेज वाटर। कुछ ऐसे तरीके आप बताएं जिससे सीवेज वाटर को रिड्यूस किया जा सकता है, या इसके बजाय आप ये क्वेश्चन का आंसर कर लें, स्केच द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के जो मेजर सोर्सेज हैं उसका एक स्केच बनाकर आपने सेंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने मस्ट करना है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अपनी मर्जी से करना है। तो आपका होमवर्क ये है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।